आपको यहाँ ये समझना होगा कि जेईई और नीट की परीक्षा का सिर्फ छात्र ही नहीं विरोध कर रहे, बल्कि विपक्ष और सरकार के अपनों ने भी परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज सोनिया गांधी परीक्षा के मुद्दे पर गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को एकजुट करेंगी, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षा के फैसले से वो पीछे नहीं हटने वाली। सरकार के विरोधी परीक्षा के खिलाफ, सरकार के अपने परीक्षा के खिलाफ, लेकिन सरकार परीक्षा के फैसले पर अड़े। जेईई नीट की तारीख नजदीक आते ही परीक्षा का राजनीतिक विरोध भी तेज हो गया है। परीक्षा के विरोध में आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गैर बीजेपी राज्यों के सीएम से बात करेंगी। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने सरकार के फैसले के विरोध में भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से दखल की मांग की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी परीक्षा टालने की मांग की है। जब हम पार्लियामेंट अगर जब होने जा रहा है तो मीडिया कह रही है कि पार्लियामेंट हम एक दूसरे के बाजू नहीं बैठ सकते, थोड़े अंदर बैठेंगे, थोड़े बाहर बैठेंगे, थोड़े लॉबी में बैठेंगे। भाई जब एमपीज एक साथ नहीं बैठ सकते तो फिर कैसे आप इन बच्चों को एग्जाम लिखाएंगे? अधिकांश बच्चे वो चाहते हैं कि अभी परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, अब दूर दूर से 300-300 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं, और वो वहाँ कैसे पहुँचेंगे? हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार के फैसले का समर्थन किया है। लाखों छात्रों या उनके अभिभावकों से मेरा यही कहना है कि अब वे इन परीक्षाओं की हर प्रकार की तैयारी में पूरे जी जान से लग जाएं। विरोध के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होंगी। छात्रों और अभिभावकों की मांग पर ही परीक्षा हो रही है। 85% से ज्यादा छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। छात्रों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 99% छात्रों को उनकी पहली पसंद का सेंटर दिया गया है। भीड़ कम करने के लिए एक परीक्षा केंद्र में 100 से 150 छात्र ही परीक्षा देंगे। जेईई मेन के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 कर दी गई है। नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 2846 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। सरकार लाख दलील दे, लेकिन छात्रों की चिंता की गूंज विदेशों तक पहुंच गई है। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की आवाज बन चुकी ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, भारत के छात्रों को कोरोना संकट और भीषण बाढ़ के बीच परीक्षा देने के लिए कहना अनुचित है। मैं छात्रों की परीक्षा को टालने की मांग का समर्थन करती हूँ। कोरोना संकट के दौरान देश भर में गरीबों की मदद के कारण सुर्खियों में आए अभिनेता सोनू सूद ने भी परीक्षा टालने की मांग की है। सोनू ने ट्वीट किया, देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से नीट जेईई परीक्षा को टालने की अपील करता हूं। कोरोना के हालात को देखते हुए हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और छात्रों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहिए। तो जान जोखिम में डालने वाला एग्जाम क्यों, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज पांडे हैं। इसके अलावा पंत इंस्टीट्यूट, केजी पंत इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बद्री नारायण हैं और स्वास्थ्य क्लासेस के फाउंडर शोभित गुप्ता हैं। हम सीधे नीरज के पास चलते हैं। नीरज, सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है। सरकार कह रही है कि हमने तैयारी पूरी कर ली है और छात्र भी तैयार हैं, 99% हैं, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, लेकिन विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए है, लगातार मांग कर रहा है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। क्या सरकार पीछे हटेगी? बिल्कुल विकास, विपक्ष लगातार दबाव बनाए हुए हैं, लगातार लेटर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं, कोरोना को लेकर खतरा तो है, कोरोना को लेकर तमाम समस्याएं तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब आपने सारे बाजार खोल दिए, सारी देश में हर लगभग एक्टिविटी शुरू हो गई है, बिजनेस शुरू हो गया, फैक्ट्रियाँ शुरू हो गई हैं, कंपनियाँ शुरू हो गई हैं, ऐसे में छात्रों की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। और अब तक कल रात में भी जो पत्र एनटीए का जारी हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उनका जो पत्र जारी हुआ, उससे साफ है कि उन्होंने तैयारी लगभग पूरी कर ली और अब सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि कल शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक स्वयं सामने आए और डीडी न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने ये बात कही कि पहले सुरक्षा बाद में परीक्षा, तो सुरक्षा के लिए हमने वो सारे पैमाने पूरे कर लिए हैं, सारे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन छात्रों का एकेडमिक ईयर न समाप्त हो इसलिए ये जरूरी है।